सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे तृणमूल छोड़ करके हम लोग बीजेपी में आए हैं। टीएमसी का कोई तो काम ही नहीं देखा हुआ है कि कोई काम ही नहीं हो कर रहा, खाली खाली खावा खावी हो रहा है, खाली पैसा खाता है, कुछ काम ही नहीं होता है, खाली जो आता है लूट लेता है पैसा, वो लोग काम कुछ के नहीं करता है। तो जय श्री राम तो भारत में नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा, अफगानिस्तान में बोलेगा, सीरिया में बोलेगा? तो जय श्री राम ये बंगाल की लोग ले लिया है, ये टीएमसी को उखाड़ के फेंक देगा। थे कि आप बीजेपी में शामिल होना पड़ा? देखिए पूरा बीजेपी पूरा देश को मजबूत किया जा रहा है, बीजेपी मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरा देश को एक मजबूत जगह में लेकर के गया है। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं इस उन्नयन में शामिल होने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ बांग्ला बनाने के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे तृणमूल छोड़ करके हम लोग बीजेपी में आए हैं। बहुत सारे टीएमसी के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं और आज आप भी हुए हैं टीएमसी में, बीजेपी में शामिल, तो आपको क्या लग रहा? ममता बनर्जी व्हील चेयर पर यहाँ पर वो पदयात्रा कर रही थी आज, तो आपको क्या लग रहा ममता बनर्जी पे हकीकत में चोट लगी थी वहाँ पे? देखिए बंगाल के हजारों जनता के दिल में चोट है, आज बंगाल में यंग जनरेशन के दिल में, लाखों लाखों यंग जनरेशन के दिल में चोट है, ना उन लोगों को कोई नौकरी है ना कोई रोजगारी है, आज बंगाल की स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं, बंगाल के जनता चाहता है अभी इस बार सेंट्रल और बंगाल में दोनों जगह में एक ही सरकार रहे और एक ही सरकार बने और बंगाल में इंडस्ट्री बने, यहाँ पे शिल्पों के बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे हजारों हजारों लड़का, हजारों हजारों माँ बहन दिल में चोट लेकर के घूर रही है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं बंगाल में बीजेपी सरकार बने। आपको क्या लग रहा? ममता बनर्जी तो कह रही थी कि इसी चार पांच लोगों ने मारा, लेकिन आज उन्होंने, उनकी सरकार ने, जो बंगाल की सरकार है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की, ऐसा कुछ? देखिए दीदी तो सीएम मैडम है, उनके पास जेट प्लस सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास चार पांच आदमी कैसे धक्का मार सकते हैं? दूसरा दिन बोल रही थी कि गाड़ी चढ़ गया है पैर में, तो दोनों उनका जो बयान है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम नहीं जानते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जो भी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा, उसके ऊपर जो जज होगा देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या ये जनता की संपत्ति लेने के लिए ये चीज़ तो नहीं की गई? नहीं, देखिए बंगाल के जनता, बंगाल के यंग जनरेशन, इसके आगे भी हम बोले हैं, लाखों लाखों जनता, लाखों लाखों माँ बहन के, जो लोग खून हो गया है, जो लोग नौकरी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं है, उन लोगों का दिल में बहुत बड़ा चोट है। तो वो लोग इस बार तय कर लिया है बीजेपी सरकार बनाना है बंगाल में। आप क्या कहेंगे, आप भी बीजेपी में जुड़े हैं? हाँ, क्या सोच के? बीजेपी के लिए, बीजेपी अच्छा पार्टी है, बीजेपी आए बेकार, बेकार कुछ कमेगा, सब शिल्पो आएगा, हम लोग का काम भी होगा, इसलिए हम लोग ज्वाइन किया है। टीएमसी में क्या काम नहीं हुए पिछले 10 सालों में प्रधान ममता बनर्जी के साथ? टीएमसी का कोई तो काम ही नहीं देखा हुआ है कि कोई काम ही नहीं हो कर रहा, खाली खाली खावा खावी हो रहा है, खाली पैसा खाता है, कुछ काम ही नहीं होता है, खाली जो आता है लूट लेता है पैसा, वो लोग काम कुछ के नहीं करता है। तो आपको क्या लग रहा है 2 मई को किसकी सरकार बनेगी? 2 मई को पूरे मेजोरिटी के साथ बीजेपी ये बंगाल में गवर्नमेंट करेगी, कि ये तुष्टिकरण की जो पॉलिटिक्स है, ये बंगाल की लोग, ये वहाँ से। अभी आपको पहले जो ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों पे भड़क जा रही थी, लेकिन कुछ समय पहले वो कह रही थी कि मैं हिंदू की बेटी हूँ, मैं भी जय श्री राम वगैरह, उन पे गुस्सा नहीं कर रही, तो क्या लग रहा है इतना बदलाव क्यों आ गया? हाँ, मैं एक INGP होकर बोलता है, पोलबादातपुर ब्लॉक जॉइंट बाइनी का प्रेसिडेंट था, देबुदा का फॉलोअर्स हुआकर यह पर ज्वाइन किया। तो दीदी थकेगा तो मैं, आगामी जो प्रजन्म आएगा वो पश्चिम बांग्लादेश में हमको डायना पड़ेगा। तो जय श्री राम तो ये हमारा भारत का, हमारा तो पुरुषोत्तम जो है श्री राम है, हम तो वहाँ से रहे थे। तो जय श्री राम तो भारत में नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में बोलेगा, अफगानिस्तान में बोलेगा, सीरिया में बोलेगा? तो जय श्री राम ये बंगाल की लोग ले लिया है, ये टीएमसी को उखाड़ के फेंक देगा।
बहुत सब, आपको क्या मुद्दे लगे इस पे भी गुस्सा आया आपको, जयश्राम और दुर्गा पूजा के जो रोक लग रही थी उस, वो जो भाता सिस्टम की जो सिस्टम है, यह भाता वो भाता, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये बंगाल की लोग नहीं लगा, बहुत बहुत यंग छेले जो है दे आर नॉट एम्प्लॉयड, देयर इज नो इंडस्ट्री, देयर इज नो इंडस्ट्री, नो फैक्ट्री, सो यंग जो जनरेशन है दे डोंट हैव एनी जॉब, तो कैसे चलेगा ये? आपको प्रधानमंत्री के क्या काम अच्छे लगे आप बीजेपी में शामिल? ये प्रधानमंत्री जो है ये सारा पृथ्वी का, भारत जो विश्वगुरु बनेगा, ये चाणक्य के समय से भारत जो विश्वगुरु बनेगा ये प्रधानमंत्री जी के साथ नेतृत्व से ही बनेगा। आप क्या कहेंगे किस कामों से आप बीजेपी में? हम लोगों को यंग जनरेशन का आगे बढ़वाना है, इन लोगों का हौसला, इन लोगों का जो फ्यूचर है और बुलंद बनवाने के लिए हम लोग मोदी जी के काम देख करके, मोदी जी के आदर्श देख करके हम लोग सब बीजेपी में शामिल हुए। आप भी बीजेपी? हम बीजेपी पहले से ही था, अमित भैया भैया के पास आया। और कौन क्या नाम है सर? আমাদের দেবব্রত বিশ্বাস, আজকে তার সঙ্গে আমরা সফর ছিলাম, আছি, আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করেছি আমরা সবাই মিলে দেবব্রত সেনের নেতৃত্বে। আগামী দিনে যে দায়িত্ব পার্টি দেবে মাথা পাতিয়ে আমরা সবাই মিলে সেই দায়িত্ব পালন করব, এটা আমরা। যা কাম দেখে আপ বিজেপি মে শামিল হয়ে আছেন? বিজেপিতে কি কাজ দেখে শামিল হয়েছে? আমরা বিজেপির যে কাজকর্ম যেটা হচ্ছে, যেরকম মানে এ থেকে শুরু করে গ্যাসের এ থেকে শুরু করে, তারপর আপনার এই যে রেশনিং, রেশন ধন্যবাদ। द्वारका मदलिया